हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। आपका स्वागत है जय ब्लॉग्स में। हम लोग अभी भूतेश्वर महादेव के लिए निकल रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं। तो हम अभी 1 बज रहा है तकरीबन, अभी निकलते हैं यहाँ से। रायपुर से 80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है भूतेश्वर महादेव। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी पहुँच जाएँ और आपको दिखाएँ वहाँ का व्यू लुक, और वहाँ की थोड़ी हिस्ट्री भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं। नहीं नहीं, चोर बन रहा है, विद्युत उपकेंद्र लिखा है ना, वो देखो क्या कर रहा है ट्रेन का बंदा। जो लेके आई हो टिया तुम, ये देखिए यहाँ पे जाम ली जा रही है। टिया क्या खाएगी, जाम खाएगी, अंदूर। हम लोग राजीव पहुंच चुके हैं और यहाँ से गरियाबंद पास ही है। देखिए आप, राजीव में काफी डेवलप हो गया पहले से। तो चलो दोस्तों, यहाँ से अपन आगे चलते हैं और आगे का आपको डिटेल। गरियाबंद हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से 4 किलोमीटर भूतेश्वर महादेव है। राजिम से लेके गरियाबंद तक का रोड बहुत अच्छा था। चलो तो चलते हैं। तो हम लोग भूतेश्वर महादेव पहुंच चुके हैं और देख लीजिए काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे। ऐसी मान्यता है कि पहले यहाँ पे काफ़ी आतंक था भूत लोग का, भूतों का और प्रेत लोगों का। तो यहाँ पे तपस्या वगैरह करके ऋषि मुनियों ने महादेव से निवेदन किया कि आप आइए यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों, भूतेश्वर महादेव का मंदिर, आपको देखिए शिवलिंग बाहर से ही नज़र आ गया। और ये बोलना जा रहा है कि शिवलिंग लगातार बढ़ रहा है। और देखिए यहाँ बंदर, बंदर को कुछ कुछ खिला रहे हैं लोग। मंकी मैन मजा आ रहा है। मैं आया, एक बार उसने साड़ी का पल्ला पकड़ा, उसके बच्चे के पास में बिस्कुट का पैकेट था। इधर आगे भी है, आगे इसको देखिए क्या लाओ, मैं खिलाऊं। मम्मी देना बैग दे। काफी सारे बंदर हैं यहाँ पे। ये देखिए शिवलिंग, ये आपको रोड से ही नजर आ जाएगा। यहाँ बंदर को बिस्किट खिलाने लेके गई है। पागल है यार तू तो। डर डर के बिस्किट खिला रही है। बिस्किट देना। ये देखिए चार है बंदर बिस्किट खा रहे हैं। इसको पकड़ ले, पकड़। ये नहीं देना। ले 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 Ha
यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है जिसे आप परचेसिंग वगैरह कुछ खरीदना है, एक चीज़ और पेट्रोल भी मिल रहा है। गरियाबंद में एक सिर्फ पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल के लिए पेट्रोल टैंक होगा, यहाँ पे भी पेट्रोल बेचते हैं। ये देखिए ये देखो टिंडे अपनी अलग मस्ती में लगे हुए हैं। क्या सो के उठे हो क्या अभी हैं? चलो बंदर देखे। मेन एंट्रेंस गेट है और ये मार्केट है। पहले बोलते थे यहाँ पे सुनसान जंगल था, आजू बाजू कुछ नहीं था, अभी मंदिर धीरे धीरे काफी फेमस हो चुका है। अरे इसको मार्क्स लगा दो, इसको मार्क्स, इसको मार्क्स। मार्केट बंद है। मंदिर के बाजू में शॉप, और टिया की आके से शैतानी यहाँ चालू हो चुकी है। टिया फुल चार्ज हो गई है अभी सो के उठी। ये है मेन एंट्रेंस। जब हमने पहले सुना था तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं था, बट अभी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो गया है। शिवलिंग बोलते हैं कि बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। पहले शूज कर लेते हैं फिर आगे कहें। इधर दिखाओ। डिगड़ी गाड़ी गाड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और टिया शूज शूज रिमूव करो अपने। हाँ दे नहीं देखिए टिंडे को भी टीका लग गया है। चलो ये देखिए यज्ञशाला बनी हुई है, यहाँ पर भी एक मंदिर है छोटा गणेश जी का, और ये है भूतेश्वर महादेव मंदिर जिसकी काफी चर्चा है अभी छत्तीसगढ़ में। पूरा वाला भूतेश्वर महादेव शिवलिंग। ऐसी मान्यता है कि इसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग भूतेश्वर महादेव मंदिर आ चुके हैं। गरियाबंद से 3 किलोमीटर पड़ा था
और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बुटेश्वर महादेव मंदिर है। और मान्यता है कि ये मंदिर लगातार शिवलिंग का आकार लगातार बढ़ रहा है, और जहाँ पहले कई मंदिरों हमने देखा है, कई ज्योतिर्लिंग है जिनके आकार में कमी आ रही है, पर ये एक लगातार इकलौता मंदिर है जिसमें शिवलिंग का लगातार बढ़ रहा है। और कैसा कहा जाता है कि ये क्षेत्र दक्कन दंड काटने के क्षेत्र में आता था, जिसके कारण यहाँ पर राक्षसों भूत प्रेतों का काफ़ी प्रकोप था। तो ऋषि मुनियों ने पूजा करी थी, तो महादेव ने यहाँ पर अपना शिवलिंग स्थापित किया था ताकि यहाँ पर शांति बनी रह सके। तो ये भूतेश्वर महादेव मंदिर जो कि रायपुर से अप्रॉक्स 80 किलोमीटर के आसपास है, तो पाइए बहुत ही अच्छा है, जंगलों के बीच में बना हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी बंदर वगैरह भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बंदर भी चारों तरफ आपको काले लंगूर मिल जाएंगे यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, आप कैंपिंग कर सकते हैं, आजू बाजू में जंगल है। और यहाँ पे मारुति नंदन हनुमान जी का मंदिर है, श्रीधाम जानकी मंदिर है, यहाँ से शिवलिंग कुछ ऐसा दिखता है चारों तरफ, शिव भूतेश्वर महादेव। अभी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट कर दिया गया है, और आप इजीली आ सकते हैं यहाँ पे। शेषनाग पीछे कलाकृति को हम आपको दिखाते हैं, काफ़ी पुरानी कलाकृति है। शेषनाग बना हुआ है यहाँ पे, और देखिए आप इधर से पूरा जंगल ही लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही है। देखिए काफी सुंदर कलाकृति यहाँ बनी हुई है, शंकर जी, शिव जी और गणेश जी की, यहाँ पे दर्शन करते होती है शिवलिंग और शेषनाग क्या करती है। देखिए सभी लोग आए हैं, नारियल बांधा बांध रहे हैं अपनी मान्यता के लिए, नारियल बांध के लोग मान्यता करते हैं, कुछ लोग दुआ मांगते हैं, तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। इस मंदिर में ये भी मान्यता है कि बोला जाता है कि कोई को भूत प्रेत की बाधा या कोई किसी तरह का कोई पितृ दोष वगैरह होता है तो उसके लिए भी प्रार्थना करने आते हैं, और यहाँ से उनका सारी जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण होता है, तो उसके लिए वो यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और महादेव भूतेश्वर महादेव से विनती करते हैं कि मेरी जो भी तकलीफ या समस्या है उसका निराकरण करें। तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, और आप लोग भी आ सकते हैं और यहाँ पे और भोलेनाथ से अपनी अरदास लगा सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, त्रिशूल लगे हुए हैं, देखिए सब पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं वो छोटी सी गुफा, आप यहाँ पे अंदर है, हमें नहीं मालूम था, अभी पता चला। शिवलिंग के जस्ट नीचे में छोटी सी गुफा है।
अंदर की तरफ सब बोला जाता है कि यहाँ पे पुराने समय में महात्मा लोग बैठ के अपनी साधना किया करते थे और यहाँ पे भोलेनाथ की छोटी सी प्रतिमा भी रखी गई है, त्रिशूल लगा हुआ है और ये जस्ट पिंडी के जस्ट नीचे छोटी सी गुफा नीचे की ओर गई हुई है और ये बोला जा रहा है कि शिवलिंग का आकार लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों चलिए बाहर चलते हैं हम लोग। अच्छा लगा। बताइए टी आपको कैसा लगा भूतेश्वर महादेव? अच्छा लगा। ये देखो कितना बड़ा शिवलिंग था। और आप वो उसमें गई थी गुफा में गई थी? गुफा में गई थी ना, वहाँ नीचे एक गुफा है। मैं तो गया था। अच्छा और बताओ कैसा लगा? महादेव तो हैं, बोलो जय महाकाल। तो कहाँ है भूतेश्वर? कहाँ पे भूतेश्वर महादेव? ठीक है। और तुमने वो बंदर को क्या खिलाया? बिस्किट खिलाया। कैसे कर रहा था बंदर बिस्किट लेके? खा रहा था ऐसे। दांत नहीं आए? बंदर के दांत थे। और ये टीका किसने लगाया तुम्हें? है ना अच्छा लग रहा है क्या? डालना है। जय ब्लॉक, जय ब्लॉक। हाँ कैसे डालेंगे ये लो। ये देखिए यहाँ फोटो निकाल के रखी गई है, आप अपने घर ले जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। चलो और थोड़ी देर में काम पे लगे। इट्स टाइम टू पॉपकॉर्न। खिलौने पे देख, पर ये अभी समझ नहीं रहा है। खिलौने चाहिए तुमको क्या? खिलौने चाहिए, खिलौने चाहिए। देख रो रो के कह रही है तू। तो दोस्तों अभी अब मैंने एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आउट में भी है वो, तो वहाँ पे बैठ के आप अभी आज यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है वैसे तो आप कहीं पे भी बैठ के अपना एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ में। बट जैसे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में
और वर्ल्ड में उसको देखते हुए मैंने स्पॉट सेलेक्ट किया। मुझे अच्छा लगा भी, वहाँ पे कोई नहीं आया होगा तो हम वहाँ बैठ के आराम से अपना खाना पीना कर सकते हैं। देखिए दोस्त, हमने दर्शन कर लिए, यहाँ से हम निकल गए हैं और हम उस स्पॉट्स की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे एक जगह है, हम लोगों ने, मैंने एक जगह स्पॉट करी है तो हम लोग वहीं जाएंगे अभी। मस्त स्पॉट है यहाँ पे, एक हिडन स्पॉट है, अभी तक ये मैंने ही सर्च किया है, किसी और ने नहीं देखा इसको। यहाँ पे देखो चारों तरफ जंगल है, अरे बीच में थोड़ी सी जगह हमें मिल गई है जहाँ बैठ के खा सकते हैं आराम से। लिटा दे थोड़ी देर, लेट जाओ छिपू, लेट जाओ छिपू। छिपू लेट गए हैं यहाँ पे, अभी एक चटाई बट्टी आ रही है वहाँ। या यहाँ पे शेर आ सकता है, आपको सुसु करना है, शांति से बैठना। चलो ये रख दो, अब यहाँ बंदर नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, यहाँ रख दो, इसमें रख दो, तो बंदर के अपन लोग बोल रहे हैं। चल चल, ये देखिए शिपू, मजा आ रहा है, है? मजा आ रहा है। लो, सब लोग को मजा आ रहा है, वो तो देख कितना अच्छे से पड़ा है। नहीं तो उसको गोद गोद में थोड़ा चले जाओ दीदी। ये टिया की गोद चल रही है, ज्यादा भीड़ भी नहीं मिली, पैसे नहीं खिला, 12 बजे की निकल के। हाँ वैसे तो कायदे में 11 बजे निकलना था। क्या खाना कैसे बना है? यम्मी 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 यम्मी, लाओ अच्छा लग रहा है यार, सबसे अच्छा था की जगह बना के ले आओ यार। पेरी नदी, पेरी नदी नहीं है, चंदेल, चंदेल है पेरी। ये महानदी का बहुत ही शानदार दृश्य, पूरा खाली पड़ा हुआ है, दूर दूर तक रेती रेत दिख रही है, सूरज डूबते हुए, और हम यहाँ से आ रहे हैं कलियावर बटेश्वर महादेव और राजिम की ओर जा रहे हैं, राजिम से रायपुर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का अब सफ़र ख़त्म होता है, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जोहार, जय महाकाल। हेलो दोस्तों, हम लोग रायपुर के लिए वापस जा रहे थे, पर हम इसी बीच में हमको एक मंदिर दिखा, निरई माता का मंदिर था, काफ़ी अंदर है और एकदम पूरे जंगल में है बिल्कुल, तो हम लोग वहाँ पर भी आ गए हैं, तो हम आपको अभी यहाँ पर भी दिखाते हैं। ये अनस्पॉटेड प्लेस है, मतलब कोई भी यहाँ नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। चलिए तो देखते हैं मंदिर निरई माता का। जूते पहन के मत जाना।
माता जी से कोई मिल जाता है कहाँ रखे अभी यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है और यहाँ बनाया बन रहा है चीजें ज्योति कलश वगैरह और यहाँ पूरा जंगल है इस तरफ पुराना मंदिर है ये तो बहुत पुराना है देवी बहुत पुराना है क्या मान्यता है ये मान है तो ये 20 साल ज्यादा बड़ी से है कर महिमा माता जी को बहुत पुराना देवी है यहाँ जो भी आते दुखिया जो भी अपन पुकारा थी माता का बराबर काम यही माता है ये तो बहुत पुरानी देवी है फिर एकर मान सम्मान नहीं अधिक एकर महिमा भाई माता जी के जो भी अपन दुख के बारे में माता जी का रात है अपन मदद मांगत है जो भी ओकर लेन देन ही होला अब तुम हाँ का चीज दो का दो तेला तुम जानो जब काम सिद्ध हो ही ना तो वो चीज है दे के अच्छा जय निरई माता जय हो निरई माता। अभी हम लोग यहाँ से अविनाश मॉल आए हैं आप देखिएगा यहाँ पे कितने सुंदर विष्णु भगवान बने हुए हैं हनुमान जी ये थर्माकोल के बने हुए हैं तो रायपुर में डेस्टिनेशन प्लेस अविनाश मॉल भी है अभी प्रॉपर वे में चालू नहीं हुआ है बट आप यहाँ पे आ सकते हैं तो नया रायपुर में डेस्टिनेशन प्लेस जो आप घूम सकते हो अविनाश मॉल है बाहर से मॉल बहुत सुंदर बना हुआ है और इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन कुछ इस तरीके से ये देखिए टाइम्स स्क्वायर नया रायपुर अविनाश मॉल बाहर भी इसमें बहुत काफ़ी अच्छा गार्डन वगैरह बना हुआ है ये देखिए फ्रंट से भी मैं आपको इसका एक फ़ोटो वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा और यहाँ से हम लोगों के नए रायपुर की सीरीज जर्नीस आप कहाँ कहाँ नए रायपुर में घूम सकते हैं वो चालू होती है तो आप घूम सकते हैं अविनाश मॉल में ये अभी यहाँ मस्ती करने में लगी हुई है अभी यहाँ पे झूले लगे हुए हैं तो वो झूल रही है